नमस्कार भाई लोगों, और कैसे हो आप लोग। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में बहुत तगड़ा न्यूज़ चला था कि कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा हो गई है। फांसी की सज़ा हो गई है, उसके बाद में बहुत भूचाल आया न्यूज़ में भी, सब जगह बहुत ज़्यादा रोज़ न्यूज़ में आए दिन यही न्यूज़ कि उनका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब उनका आखिरकार स्टोरी का क्या था पूरा आज मैं बताता हूँ। 8 नागरिक जो भारत के नेवी के ऑफिसर थे, टॉप ऑफिसर्स थे, तो अच्छे ऑफिसर्स थे, उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार वगैरह भी मिल चुका था, तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में उनको इधर कतर की एक कंपनी में जॉब मिल गया था। जो कंपनी थी वो कतर की एक कंपनी थी जो नौसेना की ट्रेनिंग देने का काम करती थी नौसेना में, और उस कंपनी का नाम था दोहरा ग्लोबल में काम करते थे। ये कंपनी क्या है, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी। इन पर आरोप क्या था, आरोप इन पर ये था कि ये लोग इज़राइल के लिए जासूसी करते हैं, और जो कतर का सबरवीन प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी इज़राइल को देते हैं। गिरफ्तारी के 14 महीने बाद दोस्तों हुआ क्या, गिरफ्तारी के 14 महीने बाद कतर की एक अदालत ने उनको क्या किया, सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत सुनाने के बाद में क्या हुआ, देश में कोहराम मच गया कि आखिरकार क्या होगा, इनकी सकुशल वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। भूचाल आ गया, पूरा राजनीति से लेकर हर जगह भूचाल आ गया। यहाँ पे हम लोग भी परेशान हुए थे, आपस में सब लोग आपस में बहस कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि फांसी की सज़ा होना किसी दूसरे देश में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर देश का अलग अलग कानून होता है अपना, और वहाँ के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है, उसमें दूसरा देश कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय सरकार ने बहुत अथक प्रयास किए इसमें, हद से ज़्यादा बहुत अथक प्रयास किए, सबकी आलोचना भी सुनते रहे, लेकिन चुपचाप अपना जो है सरकार काम करती रही। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने भी बहुत इसमें योगदान दिया, बहुत भागदौड़ किया, और काउंसलर सर्विस बार बार उनको कराते रहे और हर चीज़ की जानकारी लेते रहे अपने स्तर पे, वो खुद इन्वॉल्व हुए इसमें। बाद में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिसंबर 2023 को, जी हाँ 2 दिसंबर 2023 को कतर के शेख से मिले, वो लोग एक समिट में मिले थे, वहाँ उनसे बातचीत हुई। बाद में उनसे अभी फरवरी में एक गैस की डील भी हुई है, जो पता नहीं कितने सालों तक कतर से गैस खरीदेगा भारत। इन सब बीचों बातचीत चलती रही, लेकिन सरकार अपने स्तर पे बातचीत चल रही थी, लेकिन उसको उजागर नहीं किया। तो अब उनके परिवार वालों से भी मिले, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, जितने भी नागरिक वहाँ पे अरेस्ट हुए थे जिनको सजाए मौत हो गई थी, उनके घर वालों से भी मिले, उनको भी सांत्वना दी कि आप परेशान मत होइए, हम लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ये भाई लोगों भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार की। सरकारें तो देखो आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति जो है, कहते हैं ना कि सरकार की इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो कुछ भी हो सकता है, और हर भारतीय नागरिक कहीं पे भी खुश सुखी है और मतलब सुरक्षित है। इसीलिए सरकार क्या हुआ, वहाँ के आमिर ने मोदी सरकार की बात मान के 12 फरवरी 2024 को जितने भी थे सब उनको रिहा कर दिया है, और वो सकुशल भारत वापस आ गए हैं। जी हाँ, भारत वापस आ गए हैं, अपने वतन वापस आ गए हैं। तो ये क्या है कि ये एक अपने भारत की जीत है। इससे पता चलता है कि भारत की ताकत अभी दुनिया में कितनी है, और मैं कतर के शेख आमिर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारा पूरा देश उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, ताकि दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध अच्छे बने रहें। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि दो देशों के बीच में एक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो तुम मैं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शांति के स्तर पे। देखो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे देश में फांसी
दिए हुए इंसान को सकुशल वापसी भारत हो रही हो। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी का और कतर की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे भारतीय नागरिकों को रिहा किया।